दाभी आईपीटीवी, सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी भारत की ऐतिहासिक जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे साथ अपनी खुशी का इजहार कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या अगले मैच में ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, रविवार को वर्ल्ड कप 2019 का सबसे बड़ा मैच खेला गया। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान का मैच इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच मानी जा रही है, क्योंकि इस मैच को देखने के लिए दोनों ही टीमों के सबसे ज्यादा दर्शक आए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच अपने आप में ही कितना बड़ा मैच रहा होगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले का भारतीय फैंस 2017 से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय फैंस भी चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार का बदला लेना चाह रहे थे, और वह मौका भारत को रविवार को मिला। दोस्तों, इस मैच में भारत ने टॉस हार कर भी पाकिस्तान को धो डाला और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2019 के 22वें मैच में 89 रनों से हरा दिया, और इस हार के साथ ही पाकिस्तान की फिर भारत को वर्ल्ड कप में हराने का सपना टूट गया। दोस्तों, अब हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, हमने अच्छा टॉस जीता था, लेकिन दुर्भाग्यवश सही इलाकों में गेंदबाजी नहीं कर पाए, और इसका सारा श्रेय रोहित शर्मा को जाता है, जिन्होंने हमारे गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने भारत से हर बार हारने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, भारत के साथ मैच खेलने से हमारे ऊपर अतिरिक्त दबाव आ जाता है, और इस मैच में पाकिस्तानी आवाम की भी काफी उम्मीदें हमारे ऊपर बन जाती है, और सभी चाहते हैं कि भारत से मैच हम हर हाल में जीते, और यही अतिरिक्त दबाव हमारे हार का कारण बनता है। इसके अलावा हमारे खिलाड़ी ठीक ढंग से रनों का पीछा भी नहीं कर पाते हैं, और चेस करने में हमारी काफी खराब रिकॉर्ड है। दोस्तों, भारत के खिलाफ हार झेलने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सरफराज खान ने माना कि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचना उनकी टीम के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। उधर इस हार से पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का उनके ही देश में उनका काफी विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं, आखिर सरफराज अहमद टीम में क्यों हैं? कीपर के तौर पर उसने 3 कैच और स्टंपिंग छोड़ी, और बल्लेबाजी के तौर पर भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए, और कप्तान के तौर पर तो उन्हें पता ही नहीं था कि फील्डिंग कैसी लगानी है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर पर सरफराज अहमद को वापस बुलाओ टॉप ट्रेड कर रहा है। लोग उन्हें इंग्लैंड से वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। खेल में तो हार जीत तो लगी रहती है, आखिर एक टीम को तो हारना ही रहता है, और इसमें कप्तान का क्या दोष। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।